आज हम लोग बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अगर तीन वेक्टर इन्वॉल्व होगा तो दो तरह का ट्रिपल प्रोडक्ट हो सकता है वेक्टर्स का, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि एक स्क्वायर क्वांटिटी देता हो, और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। तीन अगर वेक्टर इन्वॉल्व है, मान लेते हैं तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तब इन वेक्टर्स को यूज़ करके हम लोग या तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर सकते हैं या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बात करें तो एक वेक्टर ए और उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा बाकी दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तब ये एक स्केलर क्वांटिटी देगा और इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक इसी तरह अगर एक वेक्टर ए है और उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बाकी दोनों वेक्टर्स के आपस के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हो, तब ये ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देगा और इसको हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। यानी तीन अगर वेक्टर्स इन्वॉल्व हो तो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको हम लोग वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे और उसमें दो तरह के ट्रिपल प्रोडक्ट आएंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट विच गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आज हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही बात करेंगे और उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। तीन वेक्टर्स है तो पहले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। ये इसलिए क्योंकि ये जो क्वांटिटी है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम सपोज करें डी एक वेक्टर है जो कि बनता है वेक्टर बी और वेक्टर सी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तब ए डॉट डी इज गिवन बाय द मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ डी एंड कॉस ऑफ थीटा, और थीटा क्या है इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड डी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड डी, तब ये एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स स्केलर वाला ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे भी लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बी सी, इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग कुछ इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पहला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललेपिपेड whose sides are the three
वेक्टर्स क्या है, हम लोग यहाँ पर एक पैरेललेपिपेड लिए हैं और ये पैरेललेपिपेड बनता है साइड से, तीन साइड से, जो कि हमारा तीन वेक्टर है। साइड OT है, OT इज गिवन बाय वेक्टर A, OR इज गिवन बाय वेक्टर C, एंड OP इज गिवन बाय वेक्टर B। यानी इस पैरेललेपिपेड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा A डॉट B क्रॉस C। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललेपिपेड व्हिच साइड्स आर गिवन बाय द थ्री वेक्टर्स। अब इसको हम लोग को प्रूव करना होगा, तो प्रूव करने के लिए हम लोग देखेंगे कि एक जो पैरेललेपिपेड होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा इस नीचे वाले इस पैरेललोग्राम का एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेन ओ पी क्यू आर एंड दिस पॉइंट टी। मान लें डी एक ऐसा वेक्टर है जो कि बनता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स बी और सी से। तो हम लोग को पता है कि द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर डी का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ओ पी क्यू आर, और इस केस में जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलॉन्ग ओ एन। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी विल बी अलॉन्ग ओ एन। नाउ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज ओ पी एंड ओ आर, देयरफॉर द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा B क्रॉस C के मॉड के बराबर। ये हम लोग को पता है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम O P Q R। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम, अभी हम लोगों ने बात किया है इसके बारे में। द वॉल्यूम इज गिवन बाय द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ओ पी क्यू आर एंड द पॉइंट टी। द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेपिपेड is given by area of the parallelogram OPQR multiplied by the perpendicular distance of the plane OPQR from the point T। यानी ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन ओ पी क्यू आर फ्रॉम दिस पॉइंट टी। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है तो एच का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं एच का मान होगा ए कॉस थीटा। तब इसको हम लोग लिखें
तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइपेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ ओटी ऑन ओएन। यानी एरिया कितना के बराबर था? बी क्रॉस सी का मॉड और प्रोजेक्शन ऑफ ओटी ऑन ओएन यानी ओ टी कॉस एंगल टी ओ एन, ओ टी कॉस ऑफ एंगल टी ओ एन और एंगल टी ओ एन को हम लोगों ने थीटा माना है और ये कितना के बराबर हो गया? बी क्रॉस सी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए का मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा। दिस इज एंगल थीटा, एंगल टी ओ एन। तो इसको हम लोग ऐसे लिखें बी क्रॉस सी और ये ए कॉस थीटा है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं डॉट ए। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। यानी वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइपेट इज गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स हुज साइड्स आर द साइड्स ऑफ द पैरेलल पाइपेट। यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगर तीन वेक्टर हैं ए बी और सी, तीन तीन वेक्टर्स को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप और ठीक उसी तरह से वेक्टर सी इक्वल टू सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए एक्स इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए वाई इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड ए जेड इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग जेड एक्सिस। आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड यूनिट वैक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक उसी तरह से बी एक्स बी वाई बी जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड। तब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितने के बराबर हो जाएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी को हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट और इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट। ये कितने के बराबर हो जाएगा?
this will be equal to I cap BY CZ minus BZ CY plus J cap BZ CX minus BX CZ plus K cap BX CY minus BY CX. So this will be equal to X BY CZ minus BZ CY plus AY BZ CX minus BX CZ plus AZ BX CY minus BY CX. और ठीक इसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से. यानी A dot B cross C can be written as like this. Indeterminate form हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. Now the next property is that, or the characteristics is that, if two vectors are equal, then their scalar triple product is zero. मान लें कि तीन वेक्टर्स है, उसमें से कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल हो तब उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी जीरो. पहले मान लें अगर हम लोग ए और बी इक्वल है, इफ ए एंड बी आर इक्वल, तब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर ऐसे लिखें ए डॉट B क्रॉस C, तब B क्रॉस C अगर ऐसा एक ऐसा वेक्टर होगा D, विच इज परपेंडिकुलर टू B एंड C. ये हम लोग को पता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स. तब D अगर परपेंडिकुलर टू B है और B A के बराबर है तो D इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए. अगर डी ए के परपेंडिकुलर है तब ये ए डॉट डी विल बी ए का मॉड डी का मॉड और कॉस थीटा, और थीटा इस केस में कितना होगा 90 डिग्री होगा. देयरफॉर दिस विल बी जीरो. सिमिलरली ए और सी अगर बराबर हो तो ये जीरो हो जाएगा सेम लॉजिक से. और अगर ए बी और सी बराबर हो, बी और सी बराबर हो, इफ बी एंड सी आर इक्वल, तब तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी विल बी, वी नो दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स आर जीरो क्योंकि उसके बीच का एंगल जीरो होगा. तब बी सी साइन ऑफ थीटा यानी साइन ऑफ जीरो इसको इसमें
जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो इज जीरो, तब ये जीरो हो जाएगा. ठीक, नाउ वी शैल सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो. यानी ए बी और सी में से कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तब इन लोगों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा. अगर मान लेते हैं B और C आपस में पैरेलल है, B और C अगर पैरेलल है तब D इक्वल टू B क्रॉस C, यानी B और C का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज गिवन बाय B का मॉड C का मॉड और साइन ऑफ थीटा. और पैरेलल अगर है तो थीटा विल बी जीरो, तब B, C, साइन जीरो, ये जीरो के बराबर हो गया. अगर हम मान लें A और B पैरेलल है तब क्या होगा? इफ वेक्टर A एंड B आर पैरेलल तब A स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा A डॉट D, जहां पर D इज गिवन बाय B क्रॉस C. नाउ D इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग B एंड C, दैट इज परपेंडिकुलर टू B एंड परपेंडिकुलर टू C. तब A और B हम लोगों ने माना है पैरेलल है. तब अगर D परपेंडिकुलर टू B है, तब अगर A और B आपस में पैरेलल है तब A क्या हो जाएगा? A विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू D, तब फिर ये A डॉट D विल बी A D cos ऑफ थीटा, और यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तब ये A D cos 90 डिग्री, ये जीरो के बराबर हो गया. ठीक, उसी तरह अगर हम मान लें कि A और C पैरेलल है, तब सेम लॉजिक से ए डॉट डी होगा. और ए डॉट डी, चूंकि डी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, परपेंडिकुलर टू अगर सी होगा और सी ए के पैरेलल है तो परपेंडिकुलर टू ए भी होगा. तब अगेन ए डॉट डी दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी जीरो के बराबर होगा. नाउ वी शैल सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, दैट इज दे आर इन द सेम प्लेन, then their scalar triple product will be zero. ये scalar triple product है A dot B cross C. अगर ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन में है तब क्या हो जाएगा? अगर वेक्टर डी है बी क्रॉस सी, और डी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी, दैट इज परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू सी, और ए बी और सी क्या है? सेम प्लेन में है, तब वो
परपेंडिकुलर टू, यानी वेक्टर डी है ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए भी होगा, तब ए डॉट डी विल बी इक्वल टू ए का मॉड डी का मॉड और कॉस ऑफ थीटा, चूँकि ये परपेंडिकुलर है वेक्टर डी वेक्टर ए के साथ, सो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तब ए डी कॉस 90 और ये 0 के बराबर होगा। यानी अगर तीन वेक्टर्स हैं और वो अगर कोप्लेनर हैं तब उन वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उसका मान 0 होगा। आखिरी में हम लोग देखेंगे द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर ट्रायड इज यूनिटी, यानी आई जे के इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू 1, यानी आई डॉट जे क्रॉस के दैट इज इक्वल टू 1। ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं दिस इक्वल टू आई डॉट जे क्रॉस के आई कैप के बराबर होगा, आई कैप एंड आई कैप डॉट आई कैप दिस इज 1, क्योंकि जे क्रॉस के एक ऐसा वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर होगा जो कि जे के भी परपेंडिकुलर हो और के भी परपेंडिकुलर हो, तो वैसा वेक्टर हम अगर इस तरह से लें, एक अगर राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, आई कैप एक्स की तरफ मान लें, जे की तरफ वाई की तरफ जे कैप और ये जेड की तरफ के कैप, तब जो आई क्रॉस जे होगा आई क्रॉस जे, अगर हम स्क्रू रूल से चलें तो स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, इस आई कैप से जे कैप की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और वो जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन होगा इस बोर्ड के बाहर की तरफ आएगा, यानी ये वेक्टर यूनिट वेक्टर के कैप की तरफ आएगा और चूंकि आई कैप का मॉडुलस 1 है जे कैप का ही मॉडुलस 1 है, तो जे क्रॉस आई क्रॉस जे ये के कैप के बराबर होगा। ठीक उसी तरह जे क्रॉस के अगर ले जे क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप अगर ले तो जे कैप क्रॉस के कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो कि इस जे से आई की तरफ जाएंगे तो इस तरफ निकलेगा, यानी ये आई कैप की तरफ डायरेक्शन होगा और उसका जो मान होगा वो 1 होगा, तब ये इज इक्वल टू आई कैप, तब इसको यूज़ करके हम लोग देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोग देखें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम लोगों ने देखा।